नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। और पब्लिक न्यूज टीवी जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर भी इस वीडियो को और इस बात वार्तालाप को आप उस पर देख सकते हैं। आप सभी को यह जानकारी है कि आज पूरा देश कोरोना के कहर से परेशान है। पूरे देश में चीख पुकार मची हुई है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, हर तरफ कोरोना को लेकर के कहर, बुरी तरह से कहर बरपा हुआ है। सब लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहुत सारे लोग चाह कर भी अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोरोना का भय सता रहा है। एक पखवारे से ज्यादा का समय हो गया जब कोरोना का कहर लगातार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आखिर ये कब रुकेगा, हर व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है। और आप सभी जानते हैं कि यह कुदरत का कहर है, यह प्रकृति का कहर है। तो प्रकृति आखिर यह कहर क्यों बरपा रही है, और एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिषीय नजर से ज्योतिषी इसके बारे में क्या कह रहे हैं, और क्या आखिर ये जो कोरोना का कहर है अभी और कितने दिन चलेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषी संतोष कुमार मंगल जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है संतोष कुमार मंगल जी आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी संतोष कुमार मंगल जी, मेरा एक सवाल है कि ये जो देश में जो आज की तारीख में कोरोना का कहर चल रहा है और जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कोरोना एक बार आया था 2019 में, मार्च से इसकी शुरुआत भारत में हुई थी, और मार्च से आने के बाद कोरोना एक तरीके से मान लिया गया था कि 3 महीने 4 महीने पहले कि ये खत्म हो चुका है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया था, पूरे देश के लोगों ने मान लिया था। लेकिन कोरोना फिर वापस आ गया और बहुत ही तेजी के साथ वापस आया। इस बार लोगों को संभलने का मौका नहीं दे रहा, बेहद डरा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ज्योतिषीय नजर से आप इसको कैसे देखते हैं कि कोरोना क्यों दोबारा वापस आया, और इसका आगे कब तक ये कहर लोगों पर बरपाता रहेगा। जी जी जी, एक हम ये देखते हैं कि भारत का जो लग्न है वह वृष लग्न की कुंडली है, और वृष लग्न का जो राशिश होता है, अधिपति होता है, वह शुक्र ग्रह होता है, और शुक्र 14 फरवरी से ही अस्त चल रहा है। अब जाकर के 19 अप्रैल को शुक्र का उदय होगा। पहली बात तो ये कि लग्नेश, भारत के लग्न का जो लग्नेश है वह अस्त चल रहा है। दूसरी घटना इसी बीच ये हुई कि 22 फरवरी से राहु जो है मंगल का योग करके लग्न में ही बैठा हुआ है। तो 22 फरवरी, इसमें निश्चित रूप से 22 फरवरी के बाद से जब से मंगल और राहु का योग हुआ है तब से ये घटनाएं बढ़ी हैं, और राहु और मंगल का योग 14 अप्रैल तक चला है। तो इससे इस बीच 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में घटनाओं में, इस तरह की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। जी जी, अब स्थिति फरवरी में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। जी जी, फरवरी में ही शुरुआत हो गई थी, 22 फरवरी के बाद से ही शुरुआत हो गई थी, और 14 अप्रैल तक मंगल और राहु का योग रहा है लग्न में, इस वजह से 14 अप्रैल तक ये काफी विस्तारित रूप ले लिया है। लेकिन अब शुक्र का उदय होने वाला है, 19 तारीख से शुक्र उदय हो जाएंगे, लग्नेश उदय हो जाएंगे, तो इसमें कुछ राहत मिलेगी। इसके साथ ही शुक्र का परिवर्तन भी हो जाएगा, 5 मई से शुक्र अपने राशि में चले जाएंगे, तो यह भी एक पॉजिटिव संकेत है कि इससे हम लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ 1 मई को बुध भी वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो शुक्र और बुध का योग हो जाएगा। बुध जो है भारत के लग्न के हिसाब से देखा जाए तो द्वितीयेश और पंचमेश बनते हैं, तो द्वितीयेश पंचमेश का योग लग्नेश के साथ होना ये काफी पॉजिटिव संकेत है कि मई के फर्स्ट वीक से चीजें जो है कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ वृष लग्न की कुंडली से देखेंगे तो चतुर्थ का कारक सूर्य बनता है।
सूर्य जब भी मेष राशि में था, पिछले बार भी जब सूर्य मेष राशि में था 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में, उस समय इसका प्रभाव काफी बढ़ा हुआ था और इस समय भी काफी प्रभाव बढ़ा हुआ है। तो 15 मई से जब सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेंगे तब इसका प्रभाव थोड़ा और कम हो जाएगा। और राहु भी चूंकि लग्न में ही बैठा हुआ है तो राहु से सूर्य की दूरी जब बढ़ेगी डिग्री वाइज तो धीरे धीरे प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। हम ये मान के चल सकते हैं कि मई के लास्ट तक जाते जाते जो है चीजें काफी कंट्रोल में आ जाएंगी और इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। संतोष जी, मेरा जो सवाल था कि आपने बताया कि शुक्र ग्रह का परिवर्तन, शुक्र ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं 19 तारीख से, यानी 19 तारीख जब हम बात कर रहे हैं तो 19 तारीख की रात में ही बात कर रहे हैं हम आपसे, 19 की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या यह माना जाए, क्या यह देशवासियों के लिए एक सुखद खबर होगी कि आज से ही कोरोना का जो कहर है, जो व्यापकता है, जो भयावहता है, जिसमें डर पैदा हो गया, 2,73,000 केस पर एक दिन में आ रहे हैं, जो टेस्टेड केस है, अनटेस्टेड केस की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, 1400-1500 लोग डेली मर रहे हैं इससे, तो इससे पूरे देश में डर का माहौल है, तो क्या इसमें कोई कमी केसेज में आज से, इसका मतलब जब शुक्र परिवर्तित होंगे तो आनी शुरू हो जाएगी? जी, आज से तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 5 मई को शुक्र वृष राशि में प्रवेश करेंगे और उसके पहले ही 1 मई को बुध भी वृष राशि में प्रवेश कर जा रहे हैं। तो लग्न में 2 शुभ ग्रहों की उपस्थिति जो है निश्चित रूप से इसके प्रभाव को कम करेगा और काफी सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। अच्छा, तो मतलब अब क्या माना जाए कि मतलब मई जो 1 मई है, 1 मई के बाद से पूरी तरह से इस पर खात्मा लग जाएगा? जी, मई के प्रथम सप्ताह से निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी और मई के लास्ट तक जाते जाते हम काफी हद तक इसको कंट्रोल कर ले जाएंगे। नहीं, इसमें जो क्या इसके बाद भी फिर कोई जैसे ये दूसरी लहर थी, क्या कोई आप ऐसी कोई गणना आप लोगों ने करी है कि क्या कोई तीसरी लहर भी आ सकती है या इससे कितना नुकसान हो सकता है? जी, नुकसान तो हो ही रहा है, नुकसान तो काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बाद ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसके बाद जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तो राहु द्वादश स्थान में जाएंगे, तो वह उस स्थिति में ये नहीं कहा सकता कि फिर इसकी कोई लहर, तीसरी लहर आएगी या फिर इस तरह की भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन ये है कि जब तक राहु लग्न में उपस्थित है तब तक थोड़ी सी समस्या है। अच्छा, तो राहु का मतलब लग्न में कब तक उपस्थित रहेंगे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कुछ ब्रह्मांड में घटता है वह एक ज्योतिषीय घटना है, वह एक किसी से प्राकृतिक घटना है, वह एक तय होता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप जैसे विद्वान ज्योतिषी उसको समझ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसको भांप लेते हैं और इसी वजह से आप इस बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। जी जी जी, राहु की उपस्थिति के साथ साथ जो 2 शुभ ग्रह मई में लग्न में प्रवेश कर रहे हैं, एक तो बुध का प्रवेश हो रहा है लग्न में, दूसरे शुक्र का प्रवेश हो रहा है, इन दोनों ग्रहों के प्रवेश से काफी हद तक कंट्रोल की स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ सूर्य का भी 15 मई को परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य भी वृष राशि में चले जाएंगे, लेकिन वृष राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तो राहु के साथ योग करेंगे, तो वह सूर्य और राहु का जो योग होगा वह थोड़ा सा जो है ठीक नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे राहु और से सूर्य की डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्थिति कंट्रोल में आती जाएगी। और मुझे लग रहा है कि पिछले बार भी सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश कर गए थे अगस्त तक उस समय तक चीजें काफी हद तक कंट्रोल हो गई थी, तो कंट्रोल की स्थिति तो मई के लास्ट से बन जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से हमको लग रहा है कि सूर्य जब मजबूत होंगे, बलवान होंगे, सिंह राशि में अपने घर में जाएंगे तब जाकर के चीजें काफी अनुकूल हो जाएंगी, तब शायद यह महामारी खत्म हो जाए।
अब बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और हम ये चाहेंगे हम इस पर एक चर्चा कल परसों में आपसे एक बार फिर करेंगे कि आगे क्या स्थिति बनती है, हमारे भारत की क्या स्थिति होगी, क्योंकि भारत आज की तारीख में कराह रहा है, हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर व्यक्ति सहमा हुआ है, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके सामने मौत खड़ी है। ये आज मुझे लगता है अपने जीवन में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिल रही है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो इतनी चिंताजनक नहीं थी, हालांकि एक सुखद बात डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले ये लहर कमजोर है, कमजोर वायरस इफेक्ट तो ज्यादा कर रहा है क्योंकि सब लोग बाहर हैं, पिछले समय लॉकडाउन था, लेकिन इस वायरस इतना प्रभावी नहीं है जितना पिछली बार प्रभावित था। इसके साथ साथ एक वैक्सीनेशन भी हो रहा है, वैक्सीन 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, किया जा चुका है, तो वैक्सीनेशन का भी काफी फायदा हो रहा है मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से लोगों को, बहुत सारे लोग इसके कहर से बच पा रहे हैं। जी, निश्चित रूप से ग्रहों का जो पोजीशन आने वाले समय में परिवर्तित हो रहा है उससे काफी लाभ मिलेगा और लोग राहत की सांस लेंगे। धन्यवाद संतोष जी, फिर हम इस मुद्दे पर एक बार आपसे और चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।